अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला भी अछूता नहीं है। बदलापुर के इंदिरा चौक पर पथराव की खबरें सामने आई हैं। सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। यहां राजमार्ग जाम करने की कोशिश भी की गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बरगुदर पुल के पास भी बस में तोड़फोड़ हुआ है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सिकरारा के लाला बाजार में रोडवेज बस में तोड़फोड़ किया। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर लाला बाजार स्थित शिव गुलामगंज तिराहे पर प्रदर्शनकारियों ने दो रोडवेज बस, एक पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, एक बस और एक जीप में आग लगा दी। लाला बाजार में कई बाइकों में भी आग लगाने की खबरें सामने आई हैं। जौनपुर में भी अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बदलापुर थाना क्षेत्र के पूरा मुकुंद गांव के निर्माणाधीन फोरलेन 731 पर प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी है। यात्रियों को बस से उतारकर तोड़फोड़ की गई। चंदौली डिपो की यह बस लखनऊ से वाराणसी जा रही थी। भारी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने सैन्य भर्ती के लिए लाए गए अग्निपथ योजना में केवल इस साल बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार की रात ऐलान किया कि साल 2022 में भर्ती प्रक्रिया में 2 साल की छूट दी जाएगी, यानी इस बार 23 साल तक छात्र भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। हालांकि इस छूट के बावजूद छात्र असंतुष्ट हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाए। उनका मानना है कि इससे युवाओं का कोई फायदा होने वाला नहीं है। गौरतलब हो कि केंद्र ने देशव्यापी विरोध के बीच गुरुवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं हुई है। बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसको लेकर गुरुवार को यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई तो कहीं पथराव किया गया। भारी विरोध बवाल के बाद सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नई क्षमता पैदा करेगा, बल्कि यह युवाओं के लिए निजी क्षेत्र के रास्ते भी खोलेगा और उन्हें अवकाश प्राप्त करने के समय मिलने वाले वित्तीय पैकेज से उद्यमी बनने में भी मदद करेगा। हालांकि सरकारी दलीलों के बावजूद नई भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सर रमा कहाँ सर? सब्बेपुर सर। हम काम से जा रहे थे सर, लोग पकड़ लिए थे। क्या नाम? हमारा कोई गलती नहीं है सर इसमें, हम यहाँ पे थे भी नहीं। यहाँ लाला बाजार जो थाना सिकरारे में पड़ता है, और वो यहाँ 250-300 लड़के आए थे। उन लड़कों ने जो है ये तोड़फोड़ किया और दो बाइक पर आग लगा दिया है, और एक टाटा सुमो गाड़ी है उस पर शीशा तोड़ दिया, और एक बस में शीशा तोड़ दिया है। इस प्रकार की घटना घटित हुई तो 3-4 थानों का फोर्स यहाँ मौके पर आ गया था, और वो फोर्स जो है कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। तो अब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। सर, क्या की घटना हुई थी उसके बाद जितनी बड़ी घटना हुई, कहीं ना कहीं मानते एलआई फेल है, क्योंकि 350,000 बच्चे की संख्या बताई जा रही है भाई इकट्ठे हुए, कि बदलापुर में रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया। आप नहीं मानते एलआई कहीं ना कहीं चल रही है? नहीं, बेसिकली क्या है कि गाँव गाँव में इस तरीके से घटनाएँ जो हो रहा है,
तो जहाँ हम लोगों का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी पर्याप्त किया गया है और जो खासकर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे बोगन जहाँ ये रेलगाड़ियाँ जो खड़ी रहती है वहाँ रेलवे क्रॉसिंग्स पर और जो बस अड्डों पर और जो मुख्य मुख्य कस्बों पर लगाए हैं, मगर हर गांव में हर जगह फोर्स लगाना संभव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जहाँ मोबिलिटी तो बढ़ाए हैं, मोबाइल पार्टीज काफ़ी लगाए हैं, फिर भी जो है कहीं इस तरीके से जो गाँव है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी में थाना है, तो यह जानकारी जो है वो जैसा जानकारी मिली तत्काल ये थाना का फोर्स आ गई। और क्योंकि लड़कों का संख्या ज़्यादा था तो इस वजह से वो पथराव और जो लाठियों से मारना ये सारा काम किया। कहीं ये मानते हैं कि जैसे पुलिस की योजना और उपद्रवियों का सिस्टम उनका ज़्यादा पे चलाते नहीं। बेसिकली देखिए जहाँ लड़कों का संख्या ज़्यादा होगा, गांव-गांव में लड़कों का संख्या है, हर गांव में है, तो हर गांव में ये नहीं हो पाएगा। मगर अब जो है प्रिवेंटिव वर्क आज कल शुरू कर दिया, जो इसका अब इसका असर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है 20-25 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है और जहाँ जहाँ है अब दबिश दे रहे हैं, तो सभी जो जो घटनाएँ कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा और वो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल जांच चल रही है, जो विवेचना जो चल रहा है अभी, जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो गाड़ियों का जलाने का अलग मुकदमा होगा और गाड़ियों का तोड़फोड़ का अलग मुकदमा होगा और पथराव का जो जिस पर जो पुलिस कर्मियों का जो चोट लगी है उस पर अलग मुकदमा होगा। अलग अलग मुकदमों में कार्रवाई किया जाएगा, फिर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई होगी, तो ये बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और इसके पीछे कोई साजिश कर रहा हो, कोई इनका सपोर्ट करके उकसा रहा हो, उनके बारे में भी जानकारी करके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ी तोड़ी गई वही सब में कार्रवाई हो रहे हैं।